हेलो दोस्तों, इंडिया किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सामा की खिचड़ी। इसके लिए हमने सामा ले लिया है, सीधा नमक, व्रत में खाया जाता है ये सीधा नमक, दो ले लिया है मीडियम साइज के आलू, दो तीन मिर्ची, हरा धनिया, एक हमने ले लिया नींबू। ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है और व्रत में खाया जाता है। दूसरा हम कुछ डालेंगे नहीं, सादा सिंपल खिचड़ी बनाएंगे। कढ़ाई रख देते हैं, एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अभी हम मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अभी हम हरा मिर्ची डाल देते हैं, बारीक बारीक कट कर लिया है। सामा की खिचड़ी बना रहे हैं उपवास के लिए। व्रत में खाया जाती है ये, उपवास में व्रत में आलू डाल देते हैं। एक दो आलू मीडियम साइज के लिए थे हमने, तो हमने कट कर दिया है। अभी ये बगर डाल देंगे, सामा डाल देंगे। सामा इसको अभी हम भूनेंगे अच्छा से। सामा का वड़ा बनता है, दही वड़ा, और हम आज खिचड़ी बना रहे हैं इसकी। देख सकते हैं आप, हमारा खिचड़ी भून चुकी है थोड़ी। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। हमने गर्म पानी किया था, वो गर्म पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट कर लेंगे, सीधा नमक डाल देंगे। थोड़ा धनिया डाल देंगे हरा, अभी हम ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारी खिचड़ी पक चुकी है और 5 मिनट पकाएंगे इसको। बहुत देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। ऐसा खिचड़ी आप भी घर पे बनाए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। खिचड़ी बहुत अच्छी, हेल्दी, टेस्टी बनती है। खिचड़ी वाला वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दो मिनट और पकाएंगे। हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। लास्ट में अभी हम नींबू का जूस डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे। एक प्लेट में
निकाल देंगे। हमारी सामा की खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, हेल्दी और टेस्टी। थोड़ा धनी पत्ती डाल देंगे।